नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हम सभी के इस यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है डॉक्टर शर्मा संजीवनी होम्योपैथी। मैं हूं डॉक्टर विभूति शर्मा संजीवनी होम्योपैथी रायपुर छत्तीसगढ़ से। दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं फ्लैक्सीड कब खाना चाहिए और कितनी मात्रा में खाना चाहिए और फ्लैक्सीड क्यों खाया जाना चाहिए। स्पेशली दोस्तों मैंने आपको अपने वीडियोस में बताया है कि फ्लैक्सीड के बहुत सारे फायदे हैं। फ्लैक्सीड मतलब अलसी। फ्लैक्सीड का ऑयल पुराने जमाने में भी बहुत ज्यादा यूज होता था और इस जमाने में भी फ्लैक्सीड को कैप्सूल के फॉर्मेट में दिया जा रहा है। फ्लैक्सीड क्यों यूज होता है इस बारे में बात करें। फ्लैक्सीड यानी अलसी का तेल बहुत सारी बीमारियों में काम आता है। फ्लैक्सीड जिसमें ओमेगा 3-6 आपको मिलता है, ये फैटी एसिड्स होते हैं जो आपकी सेल्स की ग्रोथ के लिए, सेल्स के अच्छी फंक्शनिंग के लिए, सेल्स के प्रॉपर मेटाबॉलिज्म के लिए और सेल्स के बहुत बढ़िया डेवलपमेंट के लिए आपको जरूरी होता है। फ्लैक्सीड के बहुत सारे फायदे हैं। फ्लैक्सीड का सबसे ज्यादा जो फायदा है वो आपको स्किन पे मिलेगा। स्किन में मिलाजमा, पिगमेंटेशन, हाइपर पिगमेंटेशन जैसी सारी समस्याएं और झाइयां जिसे कहा जाता है, वो आपका फ्लैक्सीड आपको आपकी डाइट में भी रहेगा तो वो उसको खत्म कर देगा लंबे समय तक, लेकिन आपको इसको अपने डाइट में शुमार करना पड़ेगा। दूसरा फ्लैक्सीड का जो फायदा है वो है आपके यदि यूट्रस में, महिलाओं में यूट्रस में यानी बच्चेदानी में गांठें होती हैं तो फ्लैक्सीड ऑयल यूज कर किया जाता है। फ्लैक्सीड के कैप्सूल्स यूज किए जाते हैं, एक कैप्सूल सुबह एक कैप्सूल शाम। आप जिसको कैप्सूल्स नहीं अवेलेबल हैं वो फ्लैक्सीड को कच्चा खाएं। अब मैं लास्ट में आपको डोजेज भी बताऊंगा और तरीके बताऊंगा। तीसरा, फ्लैक्सीड हड्डियों के दर्द यानी ज्वाइंट पेन यानी आर्थराइटिस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसीलिए फ्लैक्सीड को बिल्कुल यूज करें। मैं इसको मेडिसिनल तरीके से यूज करने बोल रहा हूं, ज्यादा मात्रा में खाएं। और फ्लैक्सीड ज्यादा खाने से कोई नुकसान नहीं है। कुछ लोगों में एक भ्रांति है कि फ्लैक्सीड ज्यादा खाएंगे तो गर्म करेगा, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं होता। बल्कि किसी एक दर्शक ने मुझे बताया था कि उत्तरांचल के इलाकों में और ठंडे इलाकों में फ्लैक्सीड की चटनी बनाई जाती है, तो मैंने उनसे कारण भी पूछा था, उन्होंने हालांकि रिप्लाई नहीं किया है अभी, लेकिन उसका कारण यह है दोस्तों, फ्लैक्सीड ज्वाइंट्स के लिए बहुत अच्छा होता है। ज्वाइंट का जो फ्लूड है वो बनाने के लिए, नेचुरली जो ज्वाइंट में फ्लूड होता है, साइनोवियल फ्लूड ज्वाइंट की मेम्ब्रेन के बीच में, दो ज्वाइंट की झिल्लियों के बीच में, तो वो साइनोवियल फ्लूड बनाने का काम फ्लैक्सीड करता है, फ्लैक्सीड ऑयल करता है, क्योंकि उसमें ओमेगा 3-6 है। दोस्तों स्किन के साथ साथ हेयर में फ्लैक्सीड का बहुत अच्छा महत्व है, बहुत अच्छा रोल है, बहुत अच्छा वर्किंग है। ज्वाइंट में बहुत अच्छा वर्किंग है। इवन मैंने आपको बताया कि यूट्रस की गठानों में भी और ब्रेस्ट की गठानों में भी फ्लैक्सीड का बहुत ज्यादा यूज होता है और इसे मैं और बहुत सारे फिजिशियंस रेगुलर इसको प्रिस्क्राइब करते हैं और ये बहुत अच्छा है, रिजल्ट इसके बहुत अच्छे हैं। दोस्तों थायराइड के जो नोड्यूल होते हैं, थायराइड की जो गांठें होती है, जो बेनाइन नोड्यूल होते हैं, उसमें भी फ्लैक्सीड का बहुत ज्यादा यूज होता है। फ्लैक्सीड ऑयल से काफी इफेक्ट देखने में आता है और जो भी फैट की वजह से होने वाले गठाने, क्योंकि बेसिक फैट जो होता है हमारी बॉडी में वही गठानों को बनाने के लिए, ट्यूमर्स को जनरेट करने के लिए एक बेस मटेरियल का काम करता है, तो फ्लैक्सीड्स इस बेस मटेरियल को खत्म करता है, उसे वहां से डिपॉजिशन होने से हटा देता है। फ्लैक्सीड कब खाना चाहिए? दोस्तों फ्लैक्सीड खाना है खाली पेट में। फ्लैक्सीड मतलब अलसी, या इसे झारखंड, यूपी और बिहार में तीसी के नाम से पुकारा जाता है। तीसी यानी फ्लैक्सीड यानी अलसी आपको खाली पेट में लेना है। खाली पेट में 2 चम्मच सुबह, 2 चम्मच दोपहर और 2 चम्मच शाम को। यदि आपने खाना खा चुके हैं तो भी कोई समस्या नहीं, आप कभी भी ले लीजिए, लेकिन जो बेस्ट टाइम है ईटिंग टाइम वो है एम्प्टी स्टमक, खाली पेट में आप सुबह सुबह से ले लीजिए। अब कैसे खाना है? तो फ्लैक्सीड को आपको फ्राई नहीं करना है या रोस्टेड नहीं करना है, इसे वो जिस कंडीशन में मिल रहा है उसी नेचुरल कंडीशन में उस बीज को खाना है। क्यों? क्योंकि ये थोड़ा सा आपको खाने में टेस्ट अलग लग सकता है, लेकिन ये इसका नेचुरल फॉर्म है और हम नहीं चाहते उसको रॉ करके या उसके रोस्टेड करके
सॉरी रोस्टेड करके रॉ मटेरियल में हमको खाना है, रॉ जैसा मिला है कच्चा वैसा ही खाना है, रोस्टेड नहीं करना है क्योंकि इसका ऑयल उससे खत्म हो जाएगा और मेन फ्लैक्सीड की जो जान है, जो अलसी की जान है, वो है उसका अलसी का तेल। और अलसी के तेल की खासियत होती है ये चिकना होता है, ये बहुत ज्यादा हीटेड नहीं होता, ये चिकना होता है और इसकी इस स्टीकी नेचर की वजह से डाइजेस्टिव डिस्टर्बेंस में भी ये बहुत कारगर है। डाइजेशन की किसी भी तरह की समस्या हो अलसी आप ले लीजिए और फिर देखिए आपको कैसे रिलीफ मिलता है। जैसे अंडी का तेल होता है कैस्टर ऑयल, आप डाइजेशन के लिए यूज होता है, या आपको कॉन्स्टिपेशन बहुत ज्यादा हो रहा है तो अंडी का तेल यूज किया जाता है कैस्टर ऑयल, वैसे ही फ्लैक्सीड ऑयल का भी यूज किया जाता है और फ्लैक्सीड रॉ फ्लैक्सीड का भी यूज किया जाता है ताकि आपके जो इंटेस्टाइन है उसमें एक लिक्विडिटी फॉर्म हो, एक म्यूकस का लेयर फॉर्म हो जाए और वो बड़ी आसानी से डाइजेशन के लिए को करवा दे। तो इस तरह के फ्लैक्सीड के उपयोग हैं दोस्तों। दो दो चम्मच दिन में तीन बार की मात्रा में फ्लैक्सीड का यूज करें। मैंने स्किन के केसेस के लिए भी स्पेशली डाइट को लेकर बहुत आपको ध्यान से बताया है कि फ्लैक्सीड बहुत ज्यादा जरूरी है मेलाज्मा के लिए, पिगमेंटेशन के लिए, हाइपर पिगमेंटेशन के लिए, हाइपर पिगमेंटेटेड स्पॉट्स के लिए, सनबर्न वगैरह में, स्किन के हर कंडीशन में आपको फ्लैक्सीड बहुत ज्यादा फायदा देने वाला है। और इसके साथ में मैंने आपको डाइट के बारे में भी बहुत ज्यादा डिस्क्राइब किया है, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे लिंक दे दूंगा कि क्यों आपको झाइयां होती हैं और झाइयों के लिए जो डाइट है उसका क्या रोल है। दोस्तों बहुत महत्वपूर्ण है हमें अपना डाइट प्लान सही करना और उस डाइट प्लान के बारे में मैंने आपको बताया है डाइट के बारे में कि किस तरह की डाइट आपकी मिलाजमा या झाइयों के लिए होनी चाहिए। तो प्लीज लिंक पे जाकर जरूर देखिएगा। अभी के वीडियो में बस इतना ही, लेकिन एक बात और मैं जाते बता दूं, यदि किसी के दांत नहीं है और दांत खराब हैं, वो चबा नहीं पाते तो फ्लैक्सीड कैसे यूज करेंगे, एक बात मैं बताना भूल गया, कोलेस्ट्रॉल के लिए फ्लैक्सीड बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हाइपर कोलेस्ट्रोलीमिया या हाइपर लिपिडीमिया की कंडीशन में लिपिड को कम करता है, खराब कोलेस्ट्रॉल को खत्म करता है और अच्छा कोलेस्ट्रॉल बनाने में मदद करता है क्योंकि इसमें फैटी एसिड है ओमेगा 3-6, तो ये बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है कोलेस्ट्रॉल वाले, हाइपर जिसका कोलेस्ट्रॉल लेवल बड़ा होता है, जिनको हाई ब्लड प्रेशर की शिकायत है उनके लिए। तो दोस्तों इस तरह से आपको फ्लैक्सीड यूज करना है और फ्लैक्सीड के बहुत सारे उपयोग हैं। फ्लैक्सीड को आपको मैं उन लोगों के लिए बताया था जिनके दांत नहीं है, दांत खराब है, बुजुर्गों के लिए, तो फ्लैक्सीड को क्या करना है, अलसी को आप दो चम्मच अलसी को पानी में, एक गिलास से डेढ़ गिलास पानी में डाल दीजिए, थोड़ा सा हल्का सा उबलने दीजिए पानी को और उसके बाद डालिएगा और फिर उसका जो जूस जैसे काढ़ा जैसे बन जाता है उसको आप ले लीजिए, गिटक जाइए पूरा, वो आपके लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद होने वाला है और आप अपनी कोलेस्ट्रॉल की रिपोर्ट में भी इसका फर्क देखेंगे। पुराने जमाने में जो अलसी तेल हम लोग यूज करते थे वही अलसी तेल है ये। तो आशा है वीडियो आपको पसंद आया होगा और आप वीडियो को पसंद कर रहे हैं, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, चैनल को देखते रहिए, ट्यून रहिए चैनल के साथ, क्योंकि अभी नए नए बहुत सारे वीडियोस आपके लिए, आपके स्किन के लिए, आपके शरीर की सभी बीमारियों के लिए, आपको बीमारियों से निजात दिलाने के लिए आने वाले हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।